अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे। सुबह बखैर आप लोगों को। गुड मॉर्निंग इंग्लिश में कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, कंपाउंड एंड मिक्सर। आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेसिक डेफिनेशंस के अंदर कि जो मैटर है इसको क्लासीफाई किया जाता है प्योर पीस में और इम्प्योर पीस में। प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस और जो इम्प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सर। मादा का जो खालिस टुकड़ा है उसको क्या कहते हैं भी? सब्सटेंस कहते हैं, शय कहते हैं। और जो ना खालिस टुकड़ा है इसको मिक्सर कहते हैं। यही पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था कि जो मिक्सर है इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजेनस और दूसरा हेटरोजेनस। ऐसे ही पढ़ा था हमने, एक होमोजेनस मिक्सर होता है और एक हेटरोजेनस मिक्सर होता है। फिर हमने देखा जो सब्सटेंस है इसके भी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, ये सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर आपने लेक्चर्स लिए और उसमें देखा होगा कि हमने एलिमेंट को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है कि एलिमेंट क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस हालत में पाया जाता है, फिर इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। इस पर मैंने दो लेक्चर्स दिए हैं, एक में सिंपल एलिमेंट को हमने स्टडी किया है और सेकंड लेक्चर उसका मेन लेक्चर है उसमें हमने एलिमेंट की वैलेंसी को स्टडी किया, जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वैलेंसी, जिसको अक्सर लोग बड़ा मामूली सा समझ के छोड़ देते हैं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमने टोटल कॉन्सेप्ट लेना है। तो आप वो लेक्चर भी सुने, उसमें भी अच्छा खासा नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे जी अपने कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और साथ में हम मिक्सर को थोड़ा सा पढ़ लेंगे जी। कंपाउंड क्या होता है और मिक्सर क्या होते हैं इसको आज हम स्टडी करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करें फिर जी। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिल जाएं, क्या हो जाए? मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में केमिकली, उनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन हो और इस तरह का हो कि उन एलिमेंट्स की रेशो खास हो, उनका मैस स्पेसिफिक हो, तो इस रिएक्शन से जो नई चीज़ बनती है उसको कंपाउंड कहते हैं। बात समझ नहीं आई? मतलब दो एलिमेंट्स हैं फर्ज कर लेंगे, वो एक ख़ास मिकदार में जो कि स्पेसिफिक है, एक फिक्स रेशो के ज़रिए आपस में मिले, उनके मिलने से जो नई चीज़ बनेगी, जो नई प्रोडक्ट हासिल होगी, उस नई प्रोडक्ट को कंपाउंड कहते हैं। अभी बात समझ नहीं आई? मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे। फर्ज करें दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, और दूसरा में एक एलिमेंट बात कर ले ऑक्सीजन की। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स रेशो बाय मैस, मैस के लिहाज से एक फिक्स रेशो के साथ जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, एक नई शय बनती है। और वो कौन सी बनती है जी? वो वाटर बनता है। तो वाटर जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बना है, ये वाटर कंपाउंड कहलाता है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या चीज़? कि वो शय जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन से, किससे? केमिकल रिएक्शन से, जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो और उस केमिकल रिएक्शन के जरिए ये आपस में मिल जाए और इनके आपस में मिलने से एक नई शय बनती है, एक नई प्रोडक्ट बनती है, उसे क्या नाम देते हैं जी? कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले,
आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है जी, वाटर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, वाटर बनता है। यही पढ़ा हुआ हमने, ये छोटी आठवीं क्लास में हमने ये रिएक्शन कई दफ़ा देखा, हमने इवन सातवीं क्लास में ये रिएक्शन जो है पानी बनने वाला ये हमने कई दफ़ा देखा है। अब सर देखें यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में थी, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, लेकिन जो नई चीज़ बनी है ये लिक्विड फॉर्म में है। जाहिर हुआ कि जो कंपाउंड बनेगा उसमें होगा ये कि जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, कि अगर ये गैस थे तो फिर गैस नहीं रहे, और जो नई चीज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज इन चीजों से डिफरेंट होंगी मुकम्मल तौर पर। ये दोनों गैसेस हैं और ये जो नई चीज बनी है वो लिक्विड है, ये मैटर की एक और स्टेट है, ये और स्टेट है, ये मादा की गैसी हालत से ताल्लुक रखते हैं, ये मादा की माया हालत से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर हुआ दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ये गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये नजर नहीं आते, ये आसानी से हम देख सकते हैं वाटर को, ठीक है। तो ये जो नई चीज बनी है इसको क्या नाम देते हैं, कंपाउंड, जिसकी प्रॉपर्टीज उन चीजों से, अपने मिलाने वाली चीजों से या इसको बनाने वाली चीजों से मुख्तलिफ होती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनसे डिफरेंट होंगी, इंटायरली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होंगी। फिर ऐसा होता है कि जो ये चीज बनी है ना, अब इसे दोबारा सादा तरीकों से इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये भी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी में आता है कि जो कंपाउंड बनेगा इसको दोबारा आप इन चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोबारा इसमें कन्वर्ट इसको नहीं किया जा सकता। फिर मैंने आपको एक लफ्ज बताया कि इनमें फिक्स रेशियो बाय मैस होती है, मैस के लिहाज से इनमें हमेशा फिक्स रेशियो होगी। जैसे हम यहां पे बात करें, हाइड्रोजन का मैस होता है जी 1, एटम इसके हैं 2, ऑक्सीजन का मैस कितना होता है जी 16। हमेशा जब इसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2:16 रेशियो होगी तभी बनेगा, अदरवाइज वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, वाटर एक कंपाउंड कभी नहीं बनेगा अगर ये रेशियो नहीं होगी। या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1s and 2 8s, तो जब तक ये 1.1:8 की जब तक ये रेशियो नहीं होगी तब तक वाटर नहीं बनेगा। अगर ये रेशियो है तो वाटर बनेगा, अगर ये रेशियो नहीं है तो वाटर नहीं बन सकता। जाहिर हुआ कि कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स रेशियो का होना बहुत जरूरी है। किस चीज़ का, फिक्स्ड रेशियो। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करें कार्बन की, एक एलिमेंट है और ये जब मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या करते हैं जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, किसे, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, और ये हमेशा तब बनेगी जब इनमें फिक्स रेशियो बाय मैस होगी। अब कौन सी रेशियो होगी, याद रखें जो कार्बन है इसका जो मैस होता है हमारे पास वो किसी को याद है कितना होता है जी, कार्बन का मैस होता है 12। हम फॉर्मूला लिखते हैं यहां पे पहले, कार्बन C+O2 तो बनेगा CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अच्छा अभी इसमें रेशियो देखें, कार्बन का मैस होता है जी 12, ऑक्सीजन एक का होता है 16, अब दो ऑक्सीजन है यहां पे तो कितना हो जाएगा 32। जब ये रेशियो होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 32:12 की रेशियो से बनाने लग जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा जब इसकी रेशियो 12:32 की होगी, मतलब जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होंगे तभी जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वगरना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकती। जैसे यहाँ पे देखें कि जब तक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वाटर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन को आपस में मिलाएं और कहें जी वाटर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक फिक्स रेशियो बाय मैस नहीं होगी तब तक ये कंपाउंड नहीं बन सकता। अब बात समझ में आ गई, यहाँ भी इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, किसी भी स्मॉलेस्ट डिजिट पे इसको आप डिवाइड कर लें,
आप इसको टू पे डिवाइड कर लेते हैं जी, क्या हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 16। अभी डिवाइड हो सकते हैं, आप इसको टू पे मज़ीद डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 2 3s are 6 और ये कितना हो जाएगा 2 8s are 16। तो ज़ाहिर हुआ कि कार्बन एक साइड में जो रेशो बाय मैस होती है वो क्या होती है 3:8 की रेशो होती है। हमेशा क्या रेशो होगी इनके मैस के लिहाज से कि 3:8 की जब तक रेशो होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो इस तरह से कंपाउंड बनता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलें नहीं इसको आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ जी। जी कर लिया नोट, मिटा दें। चलें जी, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो वीडियो को पॉज करें और फिर इसको लिख लें। मैंने बताया हुआ है, हर लेक्चर में बताता हूँ कि कॉपी पेंसिल साथ में रखा करें, जिसके की पॉइंट्स होते हैं वो लिख लिया करें, नई चीज़ें जो इसमें आपको बताई जा रही हैं वो आप लिखते जाया करें साथ में। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड। अब कंपाउंड जो है इसकी आगे दो टाइप्स हैं। कंपाउंड्स दो टाइप्स, ये आयोनिक कंपाउंड भी होते हैं। कौन से? आयनिक कंपाउंड्स, और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। आपको याद होगा एलिमेंट वाले लेक्चर में जब हमने बात की थी वैलेंसी की, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि वैलेंसी दो तरह की होती है, वो आयोनिक कंपाउंड की वैलेंसी भी हो सकती है, वो कोवेलेंट कंपाउंड की वैलेंसी भी हो सकती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, आयनिक की क्या होती है। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड है ये दो तरह के होते हैं, इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, वो आयोनिक कंपाउंड या फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो आयंस से मिलकर बनते हों। किससे? आयंस। आइंस क्या होते हैं भी? एटम्स जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता हो, वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, उसको आइन कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिले हुए हो, क्या हो? इस तरह से कंपाउंड बने कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मजबूती के साथ मिले हों, उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम एक पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन होता है। तो ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। और इस कंपाउंड में होता क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। बड़ा मजबूती से इन्होंने एक दूसरे को क्या कर रखा होता है? पकड़ रखा होता है। इसकी बेस पे इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, जब इन्होंने एक दूसरे को बड़ा ज़ोर से जकड़ रखा है, इनको अलग करना बड़ा मुश्किल होगा, इनको मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, फिर इनको बॉइल करना उससे भी मुश्किल होगा, और इनको अलग करना फिर सबसे मुश्किल काम होगा। इसलिए क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हैं। क्या है आयनिक कंपाउंड में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनमें अट्रैक्शन की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। इस वजह से इनको बॉयल करना मुश्किल होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखें, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनका जो सिंगल यूनिट होता है जिससे इनको जाहिर किया जाता है, जैसे हमने बात की नमक घरों में जो इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इसको जाहिर करने के लिए सिंगल यूनिट हमने क्या लिखा जी? NaCl। तो इनके सिंगल यूनिट को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। बात समझ नहीं आई? आयोनिक कंपाउंड्स को जिस यूनिट से जाहिर किया जाता है, जिस फॉर्मूला से जाहिर किया जाता है, उस सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं भी? इनका फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। क्या होता है भी? आयोनिक कंपाउंड, जैसे हमने बात की सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड, उसका सिंगल यूनिट क्या है भी? CaCl2, ये सिंगल यूनिट है कैल्शियम क्लोराइड का।
तो ये जो सिंगल यूनिट जिससे आयोनिक कंपाउंड को जाहिर किया जाता है, इस सिंगल यूनिट को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। और ये लिखते वक्त ख्याल रखा जाता है कि हमेशा जो पॉजिटिव आयन होता है वो पहले लिखा जाता है, नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। हमेशा जो पॉजिटिव आयन है वो पहले आता है, इसका नेगेटिव आयन बाद में आता है। और इसको पढ़ा भी ऐसे जाता है जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से इनको पढ़ा भी जाता है। नाम भी इनका इसी तरह से सीक्वेंस में स्टडी किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये थे आयोनिक कंपाउंड। अब बात कर लेते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे जिनमें एटम्स के दरमियान आयंस नहीं होंगे, आयंस के बगैर होंगे वो, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग होगी, उस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको कोवलेंट कंपाउंड्स का हम नाम देते हैं। आप कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि हम बात कर लें वाटर की, वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसका सिंगल यूनिट क्या है हमारे पास? H2O है। वाटर क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। इसका सिंगल यूनिट किससे जाहिर करते हैं हम? H2O से जाहिर करते हैं। H2O क्या है? इसका एक मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? इसका एक यूनिट है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसको नाम देते हैं सिंगल मॉलिक्यूल। बात समझ नहीं है? डिफरेंस देखे नहीं? आयनिक कंपाउंड का जो सिंगल यूनिट होता है उसको क्या नाम देते हैं जी? फॉर्मूला यूनिट। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मूला यूनिट। कोवलेंट कंपाउंड्स का जो सिंगल यूनिट होता है उसको क्या नाम देते हैं? हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उसे मोलेकुलर मैस कहते हैं। मोलेकुलर मैस, मॉलिक्यूलर भी पढ़ते हैं इसको, मोलेकुलर बेसिकली है ये। अच्छा जी, क्या बात की हमने? कोवलेंट कंपाउंड्स, इसमें एटम्स या एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इससे जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। गो के आगे एक चौथा चैप्टर हमारे पास, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि शेयरिंग कैसे होती है, किस तरह से बॉन्ड बनता है, ये आगे टॉपिक आ रहा है। मैं सिंपल सा आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इससे जो कंपाउंड बनता है वो कोवलेंट कंपाउंड बनता है। जैसे वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इसको जाहिर करने का जो सिंगल यूनिट है वो H2O है। H2O लिखा है, हम देखते हैं अच्छा जी वाटर लिखा हुआ है, तो ये H2O है, ये एक सिंगल इसका यूनिट है। कोवलेंट कंपाउंड के सिंगल यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। इस मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उस मैस को क्या नाम देते हैं? मोलेकुलर मैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोलिक्यूलर मैस या फिर मोलेकुलर मैस उसको कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड्स का टॉपिक। आई होप आपको कंपाउंड अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे हमने क्या पढ़ा जी स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में? हमने कहा जी कंपाउंड क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी हमने। फिर हमने कहा जी कंपाउंड बनता है फिक्स्ड रेशियो बाय मैस से, हमने उसकी दो एग्जांपल्स पढ़ी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा हमने और साथ में वाटर को पढ़ा हमने। फिर हमने देखा जी जो कंपाउंड्स हैं इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, वो आयोनिक कंपाउंड है या फिर वो कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है जी? आयंस आपस में मिले होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है जी? एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिससे कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। अब इसमें हमने देखा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से आपस में मिले होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों? इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं होती। फिर हमने देखा कि जो आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जो सिंगल यूनिट है इसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड का जो सिंगल यूनिट है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड का जो सिंगल यूनिट जिसको हमने नाम क्या दिया है? फॉर्मूला यूनिट का। जो इसका मैस होता है इसको फॉर्मूला मैस कहते हैं, फॉर्मूला मैस। और जो कोवलेंट कंपाउंड का सिंगल यूनिट यानी कि मॉलिक्यूल का जो मैस होगा उसको मोलेकुलर मैस कहते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।